Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Crescent Public High School and College System Nushki Campus. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. उसमें आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड. लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड के एक क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन वो जो फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना था वो एक मेथड था, उसका एक स्टेप के मुताबिक किया था कि अगर पहले वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे और उसका जो आंसर आएगा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो फिर उसको ऐसे उस वैल्यू के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम दरमियान वाले के इक्वल होना चाहिए. लेकिन अगर आप उस पहले वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे जो स्टेप नंबर 3 में था और उसका आंसर माइनस में आएगा, तो फिर क्या करोगे, दरमियान वाले को ऐसे तोड़ोगे यानी उस आंसर का ऐसे फैक्टराइजेशन करोगे जिसका डिफरेंस दरमियान वाले के इक्वल होना चाहिए, मिड टर्म के इक्वल होना चाहिए. तो हम उसके एक दो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको वो वाला मेथड भी सही तरीके से समझ आ जाए. लिखते हैं क्वेश्चन जो कि आपके बुक से ही एक क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन नंबर 6, मैं उसको सॉल्व करूंगा. क्वेश्चन नंबर 6, 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x माइनस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सॉल्यूशन, थ्री माइनस 4x माइनस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अच्छा, जैसे आपको पता है कि पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. स्टेप वन फैक्टराइजेशन मेथड से था कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ. व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? नो. हाउ इट कैन बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म? आप क्या करोगे, पहले 7x को आगे आओगे लाओगे, मतलब पहले 7x स्क्वायर को लाओगे, फिर 4x को, फिर 3. लेकिन उससे ये होगा, ये माइनस साइन में है, ये माइनस में हो जाएगा. तो हम एक्स की एक्स रेस पावर 2 को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे. तो पॉजिटिव रखने की कोशिश में ये हो सकता है कि हमें या तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा या तो क्या करेंगे, इस पूरा इक्वेशन को यहां से यहां पे शिफ्ट करेंगे. इससे क्या फायदा होगा, 7x स्क्वायर प्लस में आएगा, अभी माइनस में है और हम चाहते हैं कि ये प्लस में आ जाए. ठीक, तो मैं क्या करूंगा, तर्तीब से पहले मैं माइनस 7x स्क्वायर को क्या करूंगा, इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट करूंगा. यहां पे माइनस उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस. ये माइनस 4x उधर जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर होगा. ठीक, और 4x हो जाएगा और प्लस 3 को उधर ले जाऊंगा, माइनस 3. अब देखो इधर जितने भी चीजें थे इक्वल के उस साइड शिफ्ट हो गए, तो इधर क्या बचा, 0 बचा. 0 इज इक्वल टू दिस या दिस इज इक्वल टू 0, आंसर सेम. ठीक, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, इस तरह भी लिख सकता हूं. अब इस तरह लिखने से देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया नहीं, ए एक्स स्क्वायर, ए के जगह पर यहां पे 7 है, प्लस बी एक्स प्लस 4x प्लस सी इज इक्वल टू इधर क्या, माइनस 3. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, पहले वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था. मल्टीप्लाई ए को सी से मल्टीप्लाई करना था, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7x स्क्वायर या 7x स्क्वायर प्लस में मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इक्वल क्या होगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21x स्क्वायर. ठीक, अब
जब इसका वैल्यू माइनस में आ जाए, स्टेप नंबर थ्री मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, स्टेप नंबर थ्री, इफ ए एंड सी, इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय सी एंड द रिजल्ट इज आर प्रोडक्ट इज माइनस, देन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस वैल्यू हुज डिफरेंसेस, हुज डिफरेंसेस द मिड टर्म, हुज डिफरेंसेस द मिड टर्म। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे ताकि इसको दो हिस्सों में तोड़ो ताकि इसका डिफरेंस उन दो हिस्सों के डिफरेंस प्लस सेवन एक्स के इक्वल होना चाहिए, इस किस्म के इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कहूं माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स, माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स, देखो डिफरेंस में एक को प्लस रखना पड़ेगा एक को माइनस। हाँ, अगर आप सम मालूम करोगे तो दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आंसर माइनस में आया है तो इसको दो टुकड़ों में करना है, एक को माइनस में एक को प्लस में रखना है, मस्ट है। ठीक, तो किसको प्लस रखना है किसको माइनस रखना है ये आप डिसाइड करोगे। अभी भी यहाँ पे प्लस फोर एक्स है तो किसको माइनस प्लस रखना है, इसको प्लस रखना पड़ेगा, इसको माइनस रखना पड़ेगा, एक को प्लस एक को माइनस। अंदाजा कैसे होगा किसको प्लस किसको, इधर देखोगे आंसर, अगर इधर फोर एक्स है तो फिर आप क्या करोगे, प्लस फोर एक्स है तो इधर बड़े वाले को आपने, बड़े वैल्यू को आपने प्लस में रखना है। प्लस सेवन एक्स से माइनस थ्री एक्स करोगे क्या होगा, फोर एक्स होगा। लेकिन क्या है ये, किस चीज के फैक्टर है इसके, अगर मल्टीप्लाई करोगे यही चीज आएगी, नहीं आएगा। सेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री ट्वेंटी वन, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस। तो ये जो दो वैल्यूज है ये इसी के ही फैक्टर्स है। तो बहुत सिंपल, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, अब सेवन एक्स स्क्वायर, अब ये फोर एक्स मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसको इसके दो फैक्टर्स को ही याद लिखूंगा। अच्छा, तो क्या होगा, प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखो ये पहले तीन थे, अब चार हो गए, तीन वैल्यू थे चार वैल्यू हो गए। अब पहले पेयर से कॉमन ढूंढने की कोशिश करो, यहां से भी कॉमन लेने की कोशिश करो। यहां पे क्या कॉमन है, सेवन इधर भी है इधर भी है, सेवन बाहर निकल गया, एक्स इधर भी है और इधर भी, इधर एक्स स्क्वायर इधर सिर्फ एक एक्स है, तो एक्स को बाहर निकाला, इधर क्या बचा सिर्फ एक्स, इधर क्या बचा ये पूरा बाहर निकल गया, जब कुछ भी नहीं बचा इसका मतलब वन। अच्छा ये याद रखना, जब कुछ भी नहीं बचा जीरो नहीं हो सकते, क्यों, जब वापस उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे अगर वो जीरो होगा तो सेवन एक्स मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो आ जाएगा, यानी ये चीज वापस नहीं आ सकता है। मिसाल के तौर पर आप इस तरह, आप ये समझ रहे होंगे कि सेवन एक्स एक्स प्लस, जब ये सेवन एक्स बाहर आ गया इधर कुछ भी नहीं बचा जीरो बचा, नहीं जीरो नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप वापस रिवर्स प्रोसेस में जाओगे मैथमेटिक्स में, ऊपर से नीचे जवाब नीचे से ऊपर सवाल। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं इस स्टेप में हूँ, वापस ये वाला स्टेप लाना चाहता हूँ तो कैसे ला सकता हूँ, अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करो ऊपर वाला स्टेप आ सकता है, लेकिन एक मिस्टेक जो आपने जीरो लिया है उसकी वजह से नहीं आएगा। सेवन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा, सेवन एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, सेवन एक्स, ये बारी बारी इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा। अच्छा सेवन एक्स मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होगा, जीरो। तो अगर आप वन कॉमन लोगे, अगर इस तरह लिया आपने कॉमन, फिर चेक करो आपने सही किया गलत, सेवन एक्स अगर आपने एक्स कॉमन लिया वन तो बहुत सिंपल है, देखो वही वाला स्टेप आ जाएगा जो हमारे पास ये आ सकता है आसानी से। ठीक, कैसे मल्टीप्लाई करो, सेवन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, सेवन एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स मल्टीप्लाई बाय वन, सेवन एक्स, देखो ये चीज आया नहीं है, इसका मतलब कॉमन जो है जब इसको आपने बाहर निकाला तो जीरो के बजाय वन ही लाओगे, बहुत सिंपल है। ठीक, ये कॉमन आपने एक टू थ्री या सिक्स सेवन क्लासेस में आपने सीखा है पहले से। अच्छा अब एक जोड़ी है, इस जोड़ी में मैंने कहा सबसे पहले सैंपल कॉमन लोगे और देखो कि सैंपल क्या है, प्लस है कि माइनस है, अगर प्लस है तो प्लस कॉमन, माइनस है तो माइनस कॉमन। लेकिन प्लस कॉमन लेने का क्या फायदा और माइनस कॉमन लेने का क्या फायदा, अगर प्लस कॉमन लोगे तो इसका सैंपल चेंज नहीं होगा, ये इसी तरह ही आएगा। अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये अगर माइनस में था तो प्लस में आएगा, अगर प्लस में था तो माइनस में आएगा, बहुत सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले माइनस कॉमन लूंगा, फिर क्या होगा थ्री इधर भी है इधर भी है, थ्री को बाहर निकालूंगा, क्या बचेगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो।
अब देखो ये माइनस यहां पे कॉमन लिया तो क्या होगा एक्स प्लस वन, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से प्लस आ जाएगा इधर, साइन चेंज हो जाएगा। एक और चीज भी अपने जहन में रखो कि ये याद रखना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आए। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू नहीं है तो जरूर आपने कोई मिस्टेक किया होगा। ठीक, तो अब इधर भी एक्स प्लस वन, इधर भी एक्स प्लस वन, क्या होगा एक्स प्लस वन कॉमन लिया इधर मजीद, मतलब ये दो वैल्यूज हो गए, इनमें से एक्स प्लस वन कॉमन था, एक्स प्लस वन को बाहर निकाला क्या बचा सेवन एक्स, इधर एक्स प्लस वन को कॉमन लिया इधर क्या बचा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखो दो लीनियर इक्वेशन हो गए, दो लीनियर इक्वेशन हो गए। ठीक, अच्छा अब क्या करोगे, इस लीनियर इक्वेशन को अलग से सॉल्व करोगे, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो अलग से करोगे, और इस लीनियर इक्वेशन को सेवन एक्स माइनस थ्री को अलग से सॉल्व करोगे। अब एक्स प्लस वन को उधर ले जाओगे क्या होगा, बहुत सिंपल है, शॉर्टकट भी कर सकते हो या सब्सट्रैक्टिंग वन ऑन बोथ साइड, इस तरह भी लिख सकते हो सब्सट्रैक्टिंग वन ऑन बोथ साइड, वन ऑन बोथ साइड। अच्छा सब्सट्रैक्टिंग क्यों, क्योंकि मुझे इधर x को अकेला ही छोड़ना है, अगर x अकेला छोड़ूंगा तो यहां से वन को कैसे कैंसिल कर सकता हूं, वन को हमेशा कैंसिल करने वाला वैल्यू क्या होगा माइनस वन। ठीक, तो x is equal to plus x plus 1 minus 1 is equal to 0 minus 1 a से कैंसिल, तो x is equal to minus 1। ठीक, अब इसी तरह इसको करना है, 7x minus 3 equal to 0, 7x is equal to 3, x is equal to 3 upon 7, कैसे बहुत सिंपल है। सबसे पहले अब जरूरी नहीं कि बार बार आप सारे स्टेप्स करो, आपको समझ आ गया कि माइनस थ्री उधर गया प्लस थ्री हुआ, कैसे एडिंग प्लस थ्री ऑन बोथ साइड, एडिंग थ्री ऑन बोथ साइड, माइनस थ्री प्लस थ्री से कैंसिल। अच्छा फिर क्या होगा, सेवन उधर कैसे गया, एक्स को अकेला छोड़ना है, पहले इस जो प्लस माइनस थ्री था इसको कैंसिल करना है, फिर मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड करके कैंसिल करना है। इस स्टेप को आप अलग से भी कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आया, इधर सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अच्छा आप क्या कह सकते हो, एडिंग थ्री ऑन बोथ साइड, एडिंग थ्री ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। अच्छा सेवन एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू प्लस जीरो प्लस थ्री, थ्री थ्री से कैंसिल, सेवन एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब एक्स को अकेला छोड़ना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग सेवन ऑन बोथ साइड, सेवन ऑन बोथ साइड्स। अच्छा सेवन एक्स डिवाइड बाई सेवन इज इक्वल टू थ्री डिवाइड बाई सेवन, क्योंकि डिवाइडिंग सेवन ऑन बोथ साइड्स था, तो सेवन सेवन से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन सेवन। देखो मैंने भी यही किया, अब हमारे पास दो आंसर है सॉल्यूशन सेट में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो आंसर, ये आंसर। या प्रैक्टिस करोगे बार बार, रूल को जहन में रखते हुए करोगे, बहुत आसान है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आप लोगों को। प्रैक्टिस ई तरीका है मैथ को सीखने का। जी एक क्वेश्चन नंबर सिक्स था, अब एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव को करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव को। एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई में माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो,
ये भी उसी तरह सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ये सिंपल फॉर्म में नहीं है। ये थोड़ा सा कॉमन लेने के बाद कुछ फैक्टर बनने के बाद उसने इस तरह लिया है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले जेन बना लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, बहुत आसान है भी। कैसे करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, एक्स को उठाओगे, इस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसी एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका बारी है नेक्स्ट 1 को उठाओगे, x से मल्टीप्लाई करोगे और इस 1 को उठाओगे अगेन 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है आपने, कोई भी सवाल हो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। जी ये स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को x से मल्टीप्लाई किया, जी एक दफा फिर सवाल लिखते, जी सॉल्यूशन में, अच्छा x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय 3, 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस 3, माइनस 12 इक्वल 0, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x प्लस 2x, माइनस 12 माइनस 3 दोनों माइनस सिंबल है, क्या होंगे प्लस हो जाएंगे लेकिन सिंबल माइनस का लगेगा, माइनस 15 इक्वल टू 0। अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप क्या करोगे, पहले वैल्यू को आखिरी से मल्टीप्लाई करोगे, a को c से मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे जवाब क्या आएगा, अगर जवाब माइनस आ रहा है, आंसर इज माइनस, देन आपने क्या करना है, उस आंसर को तोड़ना है, उसके फैक्टर बनाने, कैसे फैक्टर बनाने, ऐसे उसको तोड़ना है ताकि उसको डिफरेंस लेके, उसका डिफरेंस लेके जवाब क्या होना चाहिए, प्लस 2x होना चाहिए, उसका सम नहीं डिफरेंस। क्यों सम नहीं, क्योंकि पहले वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे आंसर माइनस में आ रहा है, 1x मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 क्या होगा, x प्लस में है x स्क्वायर और माइनस 15 के मल्टीप्लाई बाय माइनस 15, आंसर क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय x 15x स्क्वायर, ठीक। अच्छा ये 15x स्क्वायर आया, अब देखो ये माइनस का आया, अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसका डिफरेंस प्लस 2 आना चाहिए, इसका डिफरेंस प्लस 2 आना चाहिए। अब अगेन पहले मैं सिंबल नहीं लगाऊंगा, पहले दो फैक्टर लेंगे, कैसे होगा, पहले मैं इसको लूंगा 5x और 3x, लेकिन कैसे करोगे, देखोगे इधर प्लस वाला वैल्यू है कि माइनस वाला, अगर माइनस वाला होता तो इसको माइनस करते, इसको प्लस करते, लेकिन अगर इधर प्लस है तो इसका मतलब 5x प्लस में लेना और 3 को माइनस में, क्योंकि 5x से 3x निकालोगे तो प्लस 2x होगा। अगर आप इसको माइनस करते हो, इसको माइनस करते हो, इसको प्लस करोगे तो इधर माइनस 2x आएगा, अगर इधर माइनस 2x होता, इधर माइनस 2x होता तो आप एक प्रोसेस करते, अगर इधर प्लस है तो आप क्या करोगे, इसको प्लस करोगे। अब इसके फैक्टर बन गए, इस वैल्यू के फैक्टर बन गए, फैक्टर बनने के बाद आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या हो गए, अब ये चार वैल्यू आ गए, पहले दो को क्या करोगे कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, इधर क्या है दोनों में क्या चीज कॉमन है, x मौजूद है, x अगर बाहर निकला है तो क्या बचा, एक्स इजी x प्लस 5 बचा, इधर क्या कॉमन है, सबसे पहले माइनस कॉमन है, उसके बाद क्या है 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो क्या बचा x, और 15 में 3 भी है और 5 भी, 15 को आप तोड़ो फैक्टर बनाओ, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 इसका बाहर निकलेगा, 3 इसका बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्यों, क्योंकि माइनस आपने बाहर निकाला तो ये माइनस में था प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस में होता तो इधर माइनस लिखता, ठीक। खैर अब देखो एक और चीज भी देखो, ब्रैकेट में सेम चीज आ रही, ठीक। अच्छा एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5 इधर भी है, इधर भी है, बाहर निकालो, एक्स प्लस 5 बाहर निकाला तो इधर क्या बचा एक्स, इधर क्या बचा, ये बाहर निकाला, माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक।
अब क्या होगा, अब x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो अलग से, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो अलग से, ठीक। अच्छा अब क्या करोगे, सब्सट्रैक्टिंग फाइव ऑन बोथ साइड, सब्सट्रैक्टिंग फाइव ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ठीक जी। अच्छा x प्लस फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो माइनस फाइव, क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहा है तो ये से कैंसिल, x की वैल्यू क्या बचा माइनस फाइव, इधर भी इधर क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तभी तो थ्री कैंसिल हो जाएगी, इधर जो वैल्यू माइनस में है तो आपने ऐड करना है, अगर प्लस में है तो आपने सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्टिंग सॉरी एडिंग थ्री ऑन बोथ साइड, थ्री ऑन बोथ साइड्स। अच्छा x माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो प्लस थ्री, माइनस थ्री प्लस थ्री को कैंसिल करेगा क्या होगा थ्री, अब सॉल्यूशन सेट क्या बचा माइनस फाइव व थ्री, दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अब हम इसका एक और सवाल करेंगे जो कि फैक्टराइजेशन मेथड का आखिरी क्वेश्चन होगा, और इस एक्सरसाइज में गालिबन मुश्किल क्वेश्चन वही है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, उसको मैं करूंगा, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का यही होगा, इसको खूब प्रैक्टिस करोगे, कुछ समझ में नहीं आया कुछ समझ में तो पूछना जरूर जी। नेक्स्ट जाते फैक्टराइजेशन मेथड से आखिरी क्वेश्चन की जान जाएंगे, क्वेश्चन नंबर एट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स रेस पावर टू प्लस टेन एक्स प्लस सेवन अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो, सॉल्यूशन एक दफा फिर लिखूंगा, थ्री एक्स स्क्वायर, आपने भी पेपर में इसी कर लिया, क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से सॉल्यूशन स्टार्ट करते ही क्वेश्चन को एक दफा वापस लिखना है, सेवन अंडर रूट थ्री। अच्छा अब क्या करोगे, पहले वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, वही टेक्निक है जो फैक्टराइजेशन मेथड का, पहला क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म में जाकर, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है फिर एक्स की पावर जीरो वाला है, इधर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है एक्स की पावर जीरो है, उसको लिखते नहीं है क्योंकि कोई भी चीज पावर जीरो जो आपके वन आता है वो आपको पता है कि कैसे वन आता है, आपने किया होगा, वेरी सिंपल इट इज, मैं नहीं जाऊंगा फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अगले लेक्चर में मुझे बताएं मैं पक्का करूंगा, या आप क्या करो ये आपका टास्क है, एक्स की पावर जीरो वन कैसे आता है ये आपने करना है, प्रूव करना है, आपने सर्च करना है इसको, ठीक, सर्च करना है मुझे लाके देना है कि एक्स पावर जीरो कैसे वन आता है, ठीक। अगर सबको समझ में नहीं आया तो क्या करूंगा मैं इसको खुद प्रूफ करूंगा अपने अगले लेक्चर में, ठीक। अच्छा अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है तो ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज ए, ए इज अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक।
अच्छा प्लस सॉरी मल्टीप्लाई प्लस सेवन अंडर रूट थ्री, सेवन अंडर रूट थ्री तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर। क्यों दो बार अंडर रूट थ्री? क्योंकि सेवन अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री, सेवन अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा? सेवन रूट की प्रॉपर्टी है, अगर दो वैल्यूज ए मल्टीप्लाई बाय बी अलग रूट में है तो यू कैन टेक देम इन अ सिंगल रूट बाय द सेम अलजेब्रिक ऑपरेशन या सेम अलजेब्रिक ऑपरेटर। अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी या सिंपल ए बी। ठीक, तो मैं भी इसी को लिख सकता हूं कि अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय दूसरा थ्री सेम एक अंडर रूट में ला रहा और एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सेवन अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट थ्री पावर टू। ठीक, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री को आप लिख सकते हो जैसे ए मल्टीप्लाई बाय ए को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री को भी लिख सकते हो थ्री ए स्क्वायर। ठीक, अच्छा थ्री से कैंसिल हो जाए, सॉरी स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, क्यों करेगा? उसका रीजन भी आपको पता होगा कि अंडर रूट थ्री पावर स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि थ्री ए स्क्वायर अपने जगह पर, रूट का वैल्यू क्या है? वन अपॉन टू। ठीक, अगर इसका वैल्यू वन अपॉन टू है तो थ्री की पावर टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टू, टू टू से कैंसिल, जवाब क्या होगा? थ्री। तो इसीलिए मैंने इसको कैंसिल किया, जवाब आया थ्री एक्स स्क्वायर। थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर, ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको आप अलग से करोगे, इसको क्वेश्चन में अलग से करोगे। अब आया ये चीज, बोलो प्लस में आया कि माइनस में? प्लस में आया। क्या करना है? इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद क्या चेक करना है? इनका सम इस चीज के इक्वल होना चाहिए, डिफरेंस नहीं। डिफरेंस कब इस चीज के इक्वल होना चाहिए? जब यहां पे माइनस हो। अगर यहां पे प्लस है तो इनका सम इस चीज के इक्वल होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे? इसको तोड़ोगे। कैसे? अगर मैं बोलूं सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स, गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स टेन एक्स होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करूं सेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री ट्वेंटी वन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा तो अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर इसको तोड़ूंगा, इस फॉर्म में लिखूंगा सेवन एक्स थ्री एक्स प्लस सेवन अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक, अच्छा थोड़ा तरतीब बराबर करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर मैं क्या करूंगा? सेवन थ्री एक्स को पहले लाऊंगा। अगर ना भी करो तब भी जॉब आएगा, ए अरेंजमेंट ना भी करो तब भी जॉब आएगा, लेकिन करो भी बेहतर है। ठीक, अपने मर्जी पर मैंने किया इसको। अब क्या होगा? अब इस थ्री को मैं लिख सकता हूं ए थ्री मतलब दो अंडर रूट थ्री, दो अंडर रूट थ्री वाले, दो एक अंडर रूट एक अंडर रूट एक थ्री। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री होगा और थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, थ्री का स्क्वायर रूट टू से कैंसिल, आंसर थ्री आया। इसका मतलब इस तरह आ सकते हैं। तो फिर मैं इसको भी इसी तरह करूंगा, करूंगा क्यों? क्योंकि कॉमन लेना है, यहां से कॉमन लेना है। तो क्या करूंगा? अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूं थ्री अंडर रूट में और वापस थ्री अंडर रूट में और एक्स फिर सेवन एक्स फिर सेवन फिर अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक, अब एक अंडर रूट थ्री इधर है, एक अंडर रूट थ्री इधर है, इसको बाहर निकाला, क्या बचा? अच्छा एक एक्स इधर है, एक एक्स इधर है, एक्स भी बाहर निकालो तो क्या बचेगा? एक्स प्लस अंडर रूट थ्री। क्यों? ए एक्स बाहर निकल गया, ये अंडर रूट थ्री बाहर, ये दोनों बाहर निकल गए, क्या बचा? अंडर रूट थ्री। और यहां से अंडर रूट थ्री भी बाहर निकल गया और एक्स की पावर वन भी बाहर निकल गया, तो इसका मतलब एक्स की पावर वन अंदर रह गया बस। ठीक, फिर प्लस सेवन इधर भी है इधर भी है, तो सेवन का मतलब क्या बचा? एक्स प्लस अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक,
अच्छा अब x प्लस अंडर रूट इधर भी है और x प्लस अंडर रूट थ्री इधर भी। अच्छा एक और चीज याद रखना, हमने क्या जितने भी क्वेश्चन इससे पहले किया था इधर हमारे पास माइनस आ रहा था तो अंदर वाले का साइन चेंज कर देते, अब प्लस आ रहा है तो अंदर वाले का साइन चेंज नहीं होगा तो क्या होगा x प्लस अंडर रूट थ्री ये बाहर निकल गया तो क्या बचा अंडर रूट थ्री एक्स प्लस यहां से ये बाहर निकल गया क्या बचा सेवन। ठीक अच्छा एक्स प्लस अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो अलग से आओ अंडर रूट थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो अलग से यस। अब आप क्या करोगे एक्स प्लस अंडर रूट थ्री को उधर शिफ्ट करोगे थोड़ा सेट कट करेंगे आपको पता है कि ये कैसे होगा आपने क्या करना है सब्सट्रैक्टिंग अंडर रूट थ्री ऑन बोथ साइड तो सब्सट्रैक्टिंग अंडर रूट थ्री ऑन बोथ साइड करोगे ऐसे कैसे होगा तो क्या बचेगा इधर ये उधर जाएगा जीरो माइनस